रावलपिंडी से खबर शामिल करते हैं, जहां पर यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के मौका पर यूनाइटेड चर्च कौंसिल रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती करते हुए एक भरपूर रैली रावलपिंडी प्रेस क्लब लियाकत बाग के बाहर मुनक्कद की गई, जिसकी क्यादत चेयरमैन पास्टर इलियास मसीह ने की, जबकि इस मौका पर पास्टर तारिक, पास्टर सलीम मुबारक, पास्टर जॉर्ज, पास्टर लियाकत मसीह, पास्टर आसिफ जेम्स, पास्टर इसहाक मसीह और दीगर मसीही और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर अपने खिताब में पास्टर इलियास मसीह ने कहा है कि पाक फौज के सरकफ मुजाहिद दुश्मन के सामने से सपलाई हुई दीवार में जो वक्त आने पर जान तो दे सकते हैं, लेकिन वतन अजीज पर आँच नहीं आने देते। पाक धरती के चप्पे चप्पे की हिफाजत उन्हें सरबुलंद जवानों के आहनी हाथों में है। पाकिस्तान शहदा और गाजियों की सरजमीन है और बहादुर पाक फौज की शहदा ने इस मट्टी को अपने खून जिगर से सींचा है। पूरी कौम इस वक्त पाक फौज के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। पाक फौज हमारे माथे का झूमर है और दुश्मनों के नापाक इरादों को खाक में मिलाने के लिए हम अख्तियार और सीना सुपर हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भर के मसीही भी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और हर मुश्किल में अपने बहादुर जवानों के साथ खड़े हैं। शुरका ने कौमी परचम और पाक फौज के हक में नारों पर मुश्तमिल बैनर्स और प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। इस मौका पर मुल्क सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी तौर पर दुआ भी मांगी गई। और मुल्के
पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लिए भी सलामती की दुआ मांगते हैं और हम सारी मसीही कौम मुल्के पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं और खुदावंद आसमानी बाप इस मुल्क पर तेरा हाथ पड़ जाए और जो इस मुल्क के खिलाफ अनासर है उनको हम तेरे हैंड ओवर कर देते हैं और आज के सारे प्रोग्राम पर तेरी बरकत चाहते हैं। आज जब मुल्क पाकिस्तान के अंदर जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं तो अपने लोगों की हिफाजत करना, हर तरह की दहशतगर्दी से बचाना और मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ जो उठे हुए अबलीस के मंसूबे हैं उनको हम यस्सू के नाम से बांध देते हैं और पाकिस्तान के लिए बरकत की, बहाली की और सलामती की दुआ मांगते हैं। मेरी दुआ शुक्रगुजारी को सुन और कबूल कर यस्सु मसीह के नाम से ये दुआ मांग कर पा लेते हैं। आमीन। हम खुदा इसका दुआ में हम सब शरीक होंगे। हमारे घर से आपकी मोहब्बत उनके पाकिस्तान के साथ अब से लेकर हमेशा तक अपना बात करें।